एक दिन मैं नॉर्मल लोगों की तरह रात की 3 बजे खेल रहा था। टाइम साइड में था, इसीलिए पता नहीं चला कि चुपके से पीछे से कोई बी रोल्स में कुछ मिस्टेक्स आ गया, इसीलिए बाकी स्टोरी बाद में। ठीक ऐसा ही लगता है ऑडियंस को, अगर तुमने अपना वीडियो मस्त सोचा, मस्त लिखा, मस्त बोला, बट बी रोल्स एमेचर हो गया। अब बी रोल्स एक शानदार वीडियो प्रेजेंटेशन में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लाइफ में सुकून। ना हो तो भी चलेगा, चल तो रहा है, बट व्यूअर्स की आंखों और दिल का सुकून चाहते हो तो तुम्हें पता ही है, नॉर्मल मेन ए रोल शॉट्स के बीच बीच में क्रिएटिव कुछ शॉट्स बी रोल, जो इंस्टेंटली तुम्हारे वीडियो क्वालिटी को 10 गुना इंप्रूव कर देगा अगर तुमने ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया, वरना 10 गुना जैसे कुछ ना बोलना बेटर है गलत चीजें बोल देने से। और गलतियां कर करके मैंने कुछ चीजें समझा है शायद, कि इस जैसे छोटे रूम पे जहाँ पे कुछ ज्यादा वैरायटीज नहीं है, जगह भी नहीं है, तुम बाहर तो बहुत सारे खेल दिखा सकते हो, बट तुम भी अगर somehow locked हो एक रूम में फॉर शूट, फिर तुम्हें आएगा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, जो चीजें तुमने सोचा था स्क्रिप्ट में वैसा नहीं मिल रहा, एंगल्स नहीं मिल रहा, हो नहीं रहा है, तो स्क्रिप्ट को नहीं अपने नजरिया को बदलो। मतलब मीनिंगलेस चीजें नहीं दिखाना है, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, इस टाइप के लाइन के लिए तुमने सोचा होगा कि तैयार होकर घर से बाहर जाने की सारे मूवमेंट्स तुम वाइड एंगल में सब कुछ दिखाओगे, बट स्पेस छोटा और नॉट सो सेक्सी होने की वजह से अगर सब कुछ दिखाओगे तो एमेचर लग सकता है। उससे बेटर कुछ चीजें बहुत क्लोजअप्स में ले लो, कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। बेसिकली अगर ऑप्शंस कम और बाउंड्रीज ज्यादा है तो मूवीज की तरह सारे बैकग्राउंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, दे हैव सेट्स, वी हैव टेक्निकल इश्यूज। बट सोच में बदलाव लाने की बात भी, मैं हर शूट्स में गलतियां करते आ रहा हूँ, और मेरा सबसे ज्यादा गलतियां होता है बेसिक चीजों पे, लाइक फोकस। एमेचर बी रोल्स का किडनी है आउट ऑफ फोकस शॉट्स। आई नो पता होने वाली चीज है, बट बिलीव मी, अगर फ्रेम पे तुम्हारा ह्यूमन सब्जेक्ट है विद फेस और लाइटिंग सही है तो ऑलवेज यूज ऑटो फोकस। और अगर कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजें दिखाना है तो तुम मैनुअल फोकस यूज कर सकते हो फॉर फोकस पूलिंग, क्योंकि तब थोड़ा बहुत फोकस चेंज होने पे भी दिक्कत नहीं आएगा। बट मेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्रिस्प फोकस में होना चाहिए और अंदर होना चाहिए फ्रेम की। जल्दबाजी में अगर मेन सब्जेक्ट ही फ्रेम्स की सबसे कम जगह में है तो amateur. कोई रूल्स नहीं है, बस मेन सब्जेक्ट को ना फ्रेम पे सबसे बड़ा जगा दो। ये मुश्किल सबसे ज्यादा होता है कैमरा लेके लचक दिखाने के टाइम। मूवमेंट्स का खेल जो अगर कर रहे हो तो दिमाग और फ्रेम में सब्जेक्ट को पहले फोकस करो, कौन सी मूव कर रहे हो वो बाद में। ये चीजें बहुत कॉमन सेंसेस है, इसके लिए तुम्हें प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर नहीं बनना पड़ेगा। पर जो कॉमन नहीं है वो है सबके पास इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा या लेंस होना। अब इस चीज पे फोन हमारा रिलेटिव्स के बच्चों की जैसा है, एक कदम आगे, भले ही AI बेस्ड हो बट स्टेबलाइजेशन रहता ही है सारे मोबाइल्स में ऑलमोस्ट। इसीलिए DSLRs में शेक को ब्रेक करना है, बिकॉज शेकी फुटेज इज द लिवर ऑफ एमेचर बी रोल्स। खासकर तुम अगर मेरी तरह 50mm जैसा या फिर और भी थोड़ा लॉन्गर फोकल लेंथ यूज कर रहे हो, जिसपे कोई भी मूवमेंट्स पे शेक और भी ज्यादा होगा, जो तुम कुछ डैम इट्स याक वाले टेक्निक से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, बट मेन बेस वही है, प्रैक्टिस होल्डिंग मूवमेंट्स जितना हो सके कम। बट फिर तो लचक नहीं आएगा ना शॉट्स में। फोरग्राउंड लेंस के सामने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दो, थोड़ा मूव करो लगेगा बहुत है, बट अगर बहुत है शेक्स तो हम बिना सोचे चले जाते हैं पोस्ट स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स के पास। एडिटिंग बैडली स्टेबलाइज्ड फुटेजेस आर द लंग्स ऑफ एमेचर बी रोल्स। दिस शॉट हियर इज वे मोर प्रो देन दिस शॉट। प्रीमियर प्रो में वर्ब स्टेबलाइजर जैसा बहुत सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में बहुत सारे स्टेबलाइजर्स हैं जो शेक को कम कर सकता है, गायब नहीं। फुटेज अगर सेल्फ एस्टीम जैसा है तो ट्राई करो दूसरे शॉट्स लेने की, उसे एडिट में शांत मत करो, पियक्कर जैसा बिहेव करेगा। सम नेचुरल शेक्स आर ऑलवेज गुड, बट अगर कुछ शॉट्स में वर्ब स्टेबलाइजर मारना ही है तो इंटेंसिटी को बहुत कम कर दो, जिससे ये गंदा वाला वार्पिंग इफेक्ट ना आए। लंग्स के ऊपर आता है थ्रोट। ई रोल्स के साथ बी रोल्स का एक्सपोजर मैच नहीं है, गलत एक्सपोजर, हर टाइम सिर्फ स्लो मोशन शॉट्स ही यूज करना, इन चीजों को ध्यान रखना, बी रोल्स का गला है, मत घोटो। सांस तभी ठीक तरीके से आएगा जब तुम सपोर्ट करोगे क्रिएटर्स को। बट ऑलवेज रिमेंबर, मिस्टेक्स और लाइफ हमेशा अच्छा होता है अगर वो दूसरों की हो तो।